Hello students, good morning, standard third subject TVS, chapter number 20. Let's save water. So student today we will start hard words of this chapter. Okay. So let's get started. R A J A S T H A N. Rajasthan. Rajasthan, one of the state of India. Rajasthan is one of the state of India. नेक्स्ट विलेज वी आई डबल एल ए जी ई विलेज मतलब गांव नेक्स्ट स्ट्रोम एस टी ओ आर एम स्ट्रोम मतलब आंधी या फिर तूफान नेक्स्ट इज विजिबल वी आई एस आई बी एल ई -E, विजिबल मतलब जो दिखाई देती है जो भी चीजें उसे कहते हैं

डी आई एस टी एन सी ई डिस्टेंस मतलब दूरी या फिर अंतर नेक्स्ट इज़ नियर बाय एन ई ए आर बी वाई नियर बाय मतलब पास ही एन ई ए आर बी वाई नियर बाय मतलब पास ही नेक्स्ट ड्राइड डी आर आई ई डी ड्राइड मतलब सूखा जो चीज़ सूख जाती है उसे क्या कहते हैं ड्राइड नेक्स्ट इज बर्न सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को बर्न का स्पेलिंग करेक्ट करना है बी यू आर एन क्या लिखना है बी यू आर एन बर्न स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है बर्न का स्पेलिंग आप लोगों को बी यू आर एन लिखना है बर्न मतलब जलन यहाँ पर बी यू आर एन स्पेलिंग है और उसका मतलब होता है जलन बर्न मतलब जलन नेक्स्ट इज ब्लिस्टर बी एल आई एस टी आर एस ब्लिस्टर्स मतलब छाले नेक्स्ट कैरिस सी ए डबल आर आई ई एस कैरी मतलब साथ में ले जाना कैरिस का मतलब क्या होता है साथ ले जाना नेक्स्ट इज वेटिंग W ए आई टी आई एन जी वेटिंग मतलब इंतजार करना या फिर राह देखना नेक्स्ट इज कलेक्ट सी ओ डबल एल E सी टी कलेक्ट मतलब जमा करना या फिर संग्रह करना नेक्स्ट इज स्पेशल S P E C I A L स्पेशल विशेष या फिर खास नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग एच ए आर वी ई एस टी आई एन जी यहाँ पर हार्वेस्टिंग जो वर्ड है वो अकॉर्डिंग टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से है तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है संग्रहण यहाँ पर बारिश के पानी के बारे में हार्वेस्टिंग शब्द यूज किया गया है तो उसका मतलब होता है संग्रहण नेक्स्ट इज कवर्ड सी ओ वी ई आर ई डी कवर्ड मतलब ढका हुआ जो चीज़ ढकी हुई होती है उसे क्या कहते हैं कवर्ड कहते हैं नेक्स्ट इज स्लेंटिंग एस एल ए एन टी आई एन जी स्लेंटिंग मतलब तिरछा या फिर ढलान वाला तो उसे कहेंगे स्लेंटिंग थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू मतलब के द्वारा या फिर के माध्यम से उसे कहेंगे थ्रू नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टीज डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी आई ई एस डिफ़िकल्टीज मतलब मुश्किली या फिर कठिनाइया नेक्स्ट इज़ स्कैर सिटी एस सी ए आर सी आई टी वाई स्कैर सिटी मतलब कमी तंगी उसे कहते हैं स्कैर सिटी नेक्स्ट इज़ फैचेस एफ ई टी सी एच ई एस फैचेस मतलब लाना नेक्स्ट इज मोस्टली एम ओ एस टी एल वाई मोस्टली मतलब ज्यादातर नेक्स्ट सप्लाइड एस यू डबल पी आई ई डी सप्लाइड मतलब उपलब्ध करना नेक्स्ट इज डिटरमाइन डी ई टी ई आर एम आई एन ई डी डिटरमाइन मतलब अलग किया हुआ छाटा हुआ उसे कहते हैं डिटरमाइन नेक्स्ट इज़ सजेशन एस यू डबल जी ई एस टी आई ओ एन सजेशन मतलब सुझाव नेक्स्ट इज़ अननेसेसरीली यू डबल एन ई सी ई डबल एस ए आर आई एल वाई अननेसेसरीली मतलब अनावश्यक नेक्स्ट इज़ फ्लोइंग एफ एल ओ डबल्यू आई एन जी फ्लोइंग मतलब बहता हुआ नेक्स्ट इज़ रीयूज आर ई यू एस सी री यूज़ मतलब फिर से उपयोग करना जो चीज़ वापस से हम यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं री यूज़ नेक्स्ट इज मैथड्स एम ई टी एच ओ डी एस मैथड्स मतलब तरीके या फिर कोई रीत उसे कहते हैं मैथड्स नेक्स्ट इज लर्न एल ई ए आर एन टी लर्न मतलब सीखा जो चीज़ सीखी हुई होती है उसे कहते हैं लर्न नेक्स्ट इज़ कंडीशन सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन एस कंडीशंस मतलब शर्तें सो स्टूडेंट आप लोगों को सारे हार्ड वर्ड्स समझ में आ गए होंगे तो ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को ई की नोटबुक में अच्छी राइटिंग से फाइव टाइम्स लिखने हैं और उसे लर्न करने हैं ओके स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट फाइव टाइम्स विथ ए गुड हैंड राइटिंग एंड लर्न अल्सो Goodbye students. Bye bye. Thank you.